मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में वन मंत्री नागर सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। मतलब वन मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आपको मिला है, चीते से लेके जंगल तक सब अब आपके भरोसे। देखिए, मध्य प्रदेश में मैंने पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश का 13% हिस्सा वनों में है और वास्तव में मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि वनों की व्यवस्था और वनों में रहने वालों की व्यवस्था में अच्छे से सुधार हो, क्योंकि पिछली सरकार आपने देखा होगा पिछले 18 वर्षों से हमारी सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, लेकिन इस बार मुझे दायित्व तो मिला है तो मैं कोशिश ये करूँगा मेरे रहते हुए और ठीक से वनों का विकास भी और वनों में रहने वाले लोगों को भी उसकी सुविधा मिले। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पहले काम है वनों को लेकर उसमें क्या क्या मापदंड आपने तैयार किए हैं। देखिए, पहला काम है मध्य प्रदेश में वनों की कटाई नहीं होना चाहिए, वन बढ़ना चाहिए, क्योंकि वनों से ही वन संपदा पैदा होती। आपने देखा मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे जो आदिवासी भाई बहन जो जंगल में रहते हैं उनकी अगर आर्थिक स्थिति को हमको मजबूत करना है तो वनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अधिकारियों को कहा कि जहाँ पर भी वनों में कहीं पर भी वन काटने की ऐसी घटनाएं आती है तो उन सख्त कार्रवाई करने के मैंने निर्देश दिए। अतिक्रमण भी एक बड़ा मुद्दा है, वन क्षेत्र जो है वैसे ही मध्य प्रदेश में जो है कम होता जा रहा, उस पे से फिर अतिक्रमण हो रहा लगातार। देखिए, मध्य प्रदेश में ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हमारे भाई बहन रहते आज से नहीं रहे, बरसों से रह रहे हैं, उनका जंगल है, उनकी जमीन है, उनकी चिंता करना भी सबसे पहला हमारा काम है। अगर जमीन पे 2006 के पहले का कब्जा है तो उनको अधिकार देना यह हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और रहेगी, लेकिन आगे कोई भी अतिक्रमण ना हो इसकी भी हमें चिंता करना पड़ेगी। वन प्राणियों की सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि आज पूरे प्रदेश में चीतों की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ट्राइबल्स भाई बहन हैं आज जंगल में बहुत कम लोग जाते हैं। पहले जब एक ज़माना था तो सुबह उठ के व्यक्ति जंगल की ओर जाता था, लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि जो शिक्षा का स्तर एकदम ऊँचाया है तो जो भी व्यक्ति आज जाता शहर की ओर जाता है, आज उसके हाथ में ना तो कुल्हाड़ी है, ना तो फालिया है, ना तो तीरकबान है, वो सीधा शहर के हाथ में मोबाइल लेके, हाथ में किताब लेके शहर की ओर जाता है। उसके कारण भी पूरे मध्य प्रदेश में वनों के अंदर जो हमारे चीते हैं, बाकी अन्य जानवर हैं, उनकी संख्या बड़ी संख्या में बढ़ी है। आज चिंता करने का ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में सुअर और रोजड़े का इतना आतंक पूरे मध्य प्रदेश में हो गया है, और जब से मैं वन मंत्री बनाऊँ तो लोगों को बार बार फोन और बोले भैया हमारी फसल का नुकसान हो रहा है, फलाना है, ये मैंने उनसे भी कहा कि अभी फसल खड़ी है, अगर उनको पकड़ना हो तो फसल को हमारे अधिकारी कर्मचारी तो उससे और ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि फसल कट जाए और जिस क्षेत्र में चिन्हित जो क्षेत्र है अगर वहाँ रोजड़े अगर मिलते हैं तो उनको हम लोग पकड़ेंगे और अभ्यारण्य में शिफ्ट करेंगे आने वाले समय में। सरकार लगातार 18 सालों से अच्छा काम कर रही, लेकिन भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है, दीमक की तरफ भ्रष्टाचारी अधिकारी जो है वो खाते जा रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का अभी तक मेरे सामने कोई विषय आया नहीं है, लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मेरे सामने मेरे विभाग में कहीं भी अगर भ्रष्टाचार की कोई बात आएगी तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं जमीन तक जाने वाला व्यक्ति हूँ। अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसने किया या ना किया मैं उसकी पूरी पूछ परख और जांच करूँगा, और अगर दोषी पाया गया तो उसको मैं किसी भी कंडीशन में छोड़ूंगा नहीं। आपके कार्यकाल में पहला वन मेला लग रहा है। आज है, मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में मेरे मंत्री बनने के बाद वन मेला भोपाल की धरती पर लग रहा है। ये आयोजन बरसों से होते आ रहा है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे वन मेला करने का अवसर मिला है। वन मेला लग रहा है तय बात है, सौभाग्य मिला है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, जो जंगल के निवासी हैं उनके उनसे जंगल नहीं छीना जाएगा, साथ ही
जो वन्य जीव हैं उनकी भी रक्षा की जाएगी। वन मंत्री का पूरा एक खाका तैयार है कि उन्हें वन विभाग में किस तरीके से काम करना और मध्य प्रदेश के जंगलों को कैसे फैलाना है और आगे जाके प्रदेशवासियों से देशवासियों तक को स्वच्छ हवा देनी है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।